हेलो फ्रेंड्स, दर्जी ने कहा कि इस नगर के व्यापारी ने एक बार अपने मित्रों को भोज दिया और उनके लिए भांति भांति के व्यंजन बनवाए। मुझे भी बुलाया गया। मैं जब वहां पहुंचा तो देखा कि बहुत से निमंत्रित लोग मौजूद हैं, किंतु मकान मालिक नहीं है। थोड़ी देर में हम लोगों ने देखा कि मकान मालिक एक लंगड़े किंतु अति सुंदर व्यक्ति को लेकर यहाँ आया और अतिथियों के बीच बैठ गया। लंगड़ा आदमी वहां बैठने ही वाला था कि उसकी दृष्टि वहां पर उपस्थित एक नाई पर पड़ी। वह बैठने के बजाय सभा से बाहर जाने लगा। आतिथ्यकर्ता व्यापारी ने आश्चर्य से पूछा कि मित्र, तुम जा क्यों रहे हो? अभी भोजन आने वाला है, तुम भोजन के बिना कैसे चले जाओगे? किंतु उस लंगड़े ने, जो परदेसी जान पड़ता था, कहा, श्रीमान, मुझे आपके घर पर ठहर कर मरने की इच्छा नहीं है। मैं इस मनहूस नाई का मुंह नहीं देखना चाहता जिसे आपने अपनी दावत में बुलाया है। मुझे जाने ही दीजिए। दर्जी ने कहा कि उस लंगड़े की यह बात सुनकर हम सबको और भी आश्चर्य हुआ। हमारी समझ में नहीं आ रहा था कि उस नाई से उस लंगड़े को इतनी नाराजगी किस कारण हो सकती है। हम लोग उत्सुकतावश उस लंगड़े के चारों ओर जमा हो गए और पूछने लगे कि क्या बात है। उस लंगड़े ने कहा, मित्रों, मैं इसी कमबख्त नाई के कारण लंगड़ा हुआ हूँ और इसके कारण अन्य विपत्तियां भी झेली है। मैंने प्रण किया था कि न केवल इसका मुख न देखूंगा, बल्कि यह जहाँ रहेगा वहाँ रहूंगा भी नहीं। मैं बगदाद का रहने वाला हूँ। मैंने बगदाद नगर इसीलिए छोड़ा कि ये वहाँ रहता था। अपने नगर को छोड़कर मैं यहाँ आया, लेकिन यह मेरी जान का दुश्मन यहाँ भी मौजूद है। इसीलिए अब मैं इस सभा या इस नगर में बिल्कुल नहीं ठहर सकता। मुझे आप लोग क्षमा करें, मुझे ये देश छोड़ना पड़ेगा, वरना यह दुष्ट न जाने मेरी क्या क्या दुर्गति करेगा। ये कहकर लंगड़ा अतिथि गृह स्वामी की अनुमति के बगैर ही सभा से बाहर जाने लगा। हम लोगों ने उसे दौड़कर रोका और दूसरे मकान में ले जाकर भोजन कराया। फिर गृह स्वामी ने कहा कि कृपा पूर्वक हमें यह बताए कि इस नाई ने आपके साथ क्या दुष्टता की है। वह बड़ी मुश्किल से ये कहानी कहने को तैयार हुआ, लेकिन कहानी सुनाते समय नाई की ओर पीट करके बैठ गया। नाई भी सिर झुकाए हुए चुपचाप सब कुछ सुनता रहा। लंगड़े ने अपना वृत्तांत इस प्रकार कहा। लंगड़े की कहानी सुनने के लिए अलिफ लैला की कहानियों का अगला भाग सुनिए। और अगर कहानियाँ आपको पसंद आ रही हो तो प्लीज़ इन्हें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। और अगर आप हमारी कहानियाँ सुन रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। सब्सक्रिप्शन फ्री में है। धन्यवाद।